हनुमान जी का एक लक्ष्य है रावण के पास पहुंचा जाए। तो सोचे कि हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के सब हमको ले जाएंगे, फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए। तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है। चले बाग में, बाबा कहते हैं चले ऊ नाई सिर बैठे ऊ बागा, चले ऊ नाई सिर बैठे ऊ बागा, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, रहे तहां बहु भरमान जी खट मार से कछु जाए पुकारे, कछु मार से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए पहले छक के खाया पेट भर के, जब पेट भर गया तो लगे डालों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले गए, हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मार दिए। चार रखवालों को पकड़ के अभी आधा रगड़े थे तो पूछे और बाकी सब कहां है, बोले सब मर गए, हम ही बचे चार। बोले अच्छा तुम जाओ रावण को बोलो मैं आ गया हूं, जाओ। छोड़ दिया। चारों पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा तुम लोग कौन हो? रखवाले सरकार अशोक वाटिका के, यहां क्या करने आए हो? बोले अरे आ गए तो बच जाएगा। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देही अशोक वाटिका उजाड़ी, देही अशोक वाटिका उजाड़ी, खाए फल अरुट पौ पारे, खाए फल अरुट पौ पारे, रक्षक मर्द मर्द महिदारे, रक्षक मर्द मर्द महिदारे। बहुत भारी कपि आया है, फल खाया सारा अशोक वाटिका समाप्त कर दिया, जितना मेंटेनेंस में खर्चा किया था आपने माटी मिला दिया सब खत्म। रावण बोला तुम लोग क्या करते थे? हम लोग ये तो कहिए बच गए तो आ गए, रगड़ रगड़ के मारा सबको, हमको छोड़ा केवल आपको बताने के लिए, अब हम जाएंगे नहीं, जाने पर पूरा कर देगा। रावण सुना अच्छा कपी आया है, तुरंत सुनि रावण पठे भट नाना, सुनि रावण पठे भट नाना, तिनहि देखि गर देव हनुमाना, तिनहि देखि गर देव हनुमाना। रावण ने भट्टों को भेजा, इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे, सुने कि रखवालों ने कहा पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारता, इतने डर गए कि वो हनुमान जी के पास गए ही नहीं, पहले छिप गए। बोले ये लोग जाएंगे बचेंगे तो हम जाएंगे, मर जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। हनुमान जी के पास जितने भट गए, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए, और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, ऐ राक्षस आते गए भट और हनुमान जी भटाभट निपटाते गए सबको। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे, पीछे वाले गए पुकारत कछु अधमारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पहुंचे रावण के पास, मर गए सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं तो छिप गए थे पहले, था रगड़ के मारा नहीं, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा, रगड़ा नहीं इस बार झाड़ू लगाया। अच्छा अब क्या करें? तब तक एक रावण का बेटा था अक्षय कुमार, आपको बतावें अंगद जी ने कहा था मैं जाऊंगा लेकिन आ नहीं सकता, क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। बाली का बेटा अंगद और अक्षय कुमार रावण का बेटा, वो बाप दोनों भले मित्र थे, इन दोनों की शत्रुता थी। अंगद जानते थे जाऊंगा तो मार डालेगा। हनुमान जी जब लंका के लिए चले ना, अंगद जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा, उसी के कारण मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार को रावण ने बुलाया और कहा बेटा तुम जाओ। बाबा कहते हैं अक्षय कुमार पुण्य पठे उते ही अक्षय कुमारा, पुण्य पठे उते ही अक्षय कुमारा, चला संगले सुभट अपारा, चला संगले सुभट अपारा। हनुमान जी ने दो तीन निशाचरों को हाथ में दबा के रखा था पहचान पूछने के लिए, अक्षय कुमार जैसे आप मारा एक तबड़ा, किसको राक्षसों को मारा, जल्दी बता कौन आ रहा है, कौन है वो, जल्दी बता।
बोले युवराज अक्षय कुमार, बोले ध्यान से देख वही है ना भाई, अक्षय कुमार पक्का। हनुमान बोले जाओ तुम भी मौत करो, लेकर रगड़ दिया, मर गया। इनको मार के एक विशाल वृक्ष उठाया हनुमान जी ने, पूरा का पूरा वृक्ष आवत देख विकट कही तरदा दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पाया करेगा क्या, तब तक जाके हनुमान जी पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे, जय श्री राम। चटनी बन गया हो, चिपट के मर गया उसी में। अक्षय कुमार तो मर गया, अब इसके साथ सुभट आए थे। पहले रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी ने मार दिया, अब उनसे बड़ी योद्धा सुभट आए थे। हनुमान जी तो पहले अपना दहशत बना रहे, इसके लिए कुश को पकड़ के मारना शुरू, पकड़ के हाथ जैसे लोग मच्छर मारते हैं ना, राक्षसों को रख रख के मारना शुरू किए। बाकी सारे राक्षस लगे जरने, हमको मत मारिए। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठोगे, एकदम बैठेंगे। सारे राक्षसों को बिठाया,